गुजरात विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन बीजेपी को जीत के लिए दांतों तले उंगलियां चबवाने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अभी भी शांत नहीं हुए हैं। उनका बीजेपी पर हमला जारी है। हार्दिक पटेल ने आज एक बार फिर बीजेपी की जीत को लेकर ईवीएम को सवालों के घेरे में खड़ा किया। हार्दिक ने दावा किया कि गुजरात में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी और इसी वजह से बीजेपी जीत पाई, नहीं तो बीजेपी का सत्ता से जाना तय था। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। मैं यह साबित कर सकता हूं कि 99 का फेर बीजेपी का रचा रचाया षड्यंत्र है। बीजेपी को पता था कि उसे बहुमत हासिल नहीं होगा, इसलिए किसी भी तरह के शक से बचने के लिए बीजेपी ने 100 के आंकड़े को नहीं दिखाया। चुनाव की शुरुआत में बीजेपी ने 150 सीटों का लक्ष्य तैयार किया था, पर जब उसने देखा कि 150 तो दूर, वो जीत भी हासिल नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने ईवीएम में गड़बड़ी की और खुद को 99 के फेर में फंसाया ताकि किसी को भी शक ना हो। हार्दिक पटेल ने कहा कि 2012 में जब बीजेपी ने जीत हासिल की थी तो पूरा गुजरात खुश था। इस बार सिर्फ दो लोग खुशी मना रहे हैं, बाकी गुजरात असहाय महसूस कर रहा था। गुजरात में कोई भी इस तरह की जीत से खुश नहीं है। बीजेपी पर हमला बोलने के साथ साथ हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की भी तारीफ की। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर रहा है, इसी का नतीजा है कि ग्रामीण इलाकों से बीजेपी का सफाया हो गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।